शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मुंबई, जहां हर स्क्वायर फीट के पैसे लगते हैं, जीने के पैसे लगते हैं, बात करने के पैसे लगते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के बुल पे भी पैसे लगते हैं। पैसे की इस दौड़ में घोड़े की रेस पे भी पैसे लगते हैं। टाइम बदल चुका है, यहां तक कि इंसान की तकदीर पे भी पैसे लगते हैं। तांबे को जो सोना बना दे, पत्थर में जो हीरा तराशे, तकदीर को तलवार बना दे, मौत को जो जीना सिखा दे। हैं कुछ ऐसे लोग जो जीते हैं शान से और आजमाते हैं अपनी जान से। है जीतना इनकी फितरत, जब हथियार है इनका लक। Thank you.
20 अगस्त 1963 महाराष्ट्र, यवतमल मस्जिद टूटकर गिर पड़ी। 300 लोग मारे गए, सिर्फ एक 9 महीने का बच्चा बिना खरोंच के जिंदा बच गया। ১৯৭৫ में धनबाद के चश्नाला जिले में बाढ़ आने से 372 लोगों की मौत हुई। चंद बचे लोगों में एक था 12 साल का करीम मूसा। 14 साल की उम्र में करीम ने अपने दोस्तों से चौथे माले से कूदने की शर्त लगा ली। 3 दोस्त मारे गए, करीम की कुछ हड्डियां टूटी पर वो शर्त जीत गया। 19 साल की उम्र में जब करीम के दोस्त किताबों की गुलामी कर रहे थे, तब करीम ने ताश के 52 पत्तों को अपना गुलाम बना लिया था। कामयाबी उसके कदम चूम रही थी और करीम को मूसा भाई के नाम से बुलाया जाने लगा। मूसा को अपनी तकदीर आजमाने की लत लग चुकी थी। अब वो हांगकांग, बैंकॉक, दुबई, केप टाउन, हर जगह अपना लग फैला रहा था। क्रिकेट बेटिंग, हवाला, गोल्ड स्मगलिंग, ये सब पुराने धंधे हो चुके थे। मूसा ने ऐसी चीज का नशा पैदा किया जिसकी ना कोई सीमा है, ना तो जिसकी ताकत का कोई रोक है। उसने इंसान की तकदीर पर इन्वेस्ट करने का एम्पायर खड़ा किया। दुनिया भर से पैसे लगते हैं इंसान की तकदीर पे और खेला जाता है इंसान की जान से। मूसा को अब तलाश है ऐसे लोगों की जिनका लक उसी की तरह मौत को भी मात दे दे। एक तरफ जहां मूसा जैसे लोग जिन्हें खुदा की दी हुई रहमत का एहसास है, वहीं हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें अब तक अपनी किस्मत के बुरे या अच्छे होने का एहसास नहीं। ऐसा ही एक किस्सा है राम मेहरा का। ১৯৯২, হর্ষদ মেহতা याद है? सेम टू सेम केस है तेरे फादर का। कम से कम 25 करोड़ का घोटाला। खुद डूबे, खुदकुशी कर ली। कितनों को डुबाया? सब मरेंगे हार्ट अटैक से। कमाया तो स्टॉक एक्सचेंज का जुआ, गवाया तो जानलेवा कुआं। मेरी माँ को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वो हार्ट अटैक से मरी है। प्लीज। 3 महीने हैं तेरे पास, घर जायदाद जो कुछ भी है सब जब्त हो जाए। बाप के दुश्मन पीछे पड़ेंगे अलग, जीना मुश्किल हो जाएगा तेरा। 2 महीना केस दबा कर रख सकता हूं, कम से कम 4 खोखा लगेगा केस रफा दफा। नहीं तो मां की तकलीफ अलग, बाप की तरह तू भी खुदकुशी कर लेना सलाखों के पीछे। राम के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो यूएस जाकर 1 का 40 करे। 2 बार वीजा रिजेक्ट होने के बावजूद उसने 3री बार फिर कोशिश की। Can you please tell me why it's being rejected? The US consulate does not give reasons for its approval or rejection procedures, Mr. Ram. Yes, Mr. Ram Mehra. Like I said, down the hall to the right. No, listen. This is my 3rd time. It's not fair. Thank you.
ए छोटू जा चाय बोल फटाफट। फुलिया कटिंग। अरे फूल बोल जा। बहुत बारिश है क्यों? क्या हुआ? फिर नहीं चेक। खैर छोड़ अभी। अरे तेरे पास फिक्स सैलरी है, यहाँ अच्छी खासी नौकरी है, माँ को संभालना क्या चाहिए तुझे? फालतू वीजा के चक्करों में अटका हुआ है। ए रखने अंदर। अभी यहाँ क्या बुराई है, यहाँ भी तो सब कुछ है। वीजा नहीं मिला तो कोई बड़ी बात नहीं यार। तेरे लिए नहीं होगी। ये देख बैंक नोटिस। 3 महीने में अगर 20 करोड़ का लोन नहीं चुकाया घर जब्त हो जाएगा। माँ को पता नहीं और बता भी नहीं सकता। फिर ब्लड प्रेशर। एक ही रास्ता था, US जाकर 1 का 40 था, वो भी। और कोई रास्ता हो तो बताना। चलता हूँ। रुक रुक, एक रास्ता है। तीन बार रिजेक्ट हुआ US वीजा। ठप्पा तो लग जाएगा लेकिन 20 लाख। पटेल सर ने होता तो 22 लाख। पटेलों का वीजा का बहुत मचमच है ना। पटेलों का बहुत मचमच है। इसको मालूम है। बहुत ज्यादा है। ज्यादा है? आधे भाव में चाहिए? लंदन तक का मिलेगा। अरे जितेन का दोस्त है इसलिए डिस्काउंट दिया। मार्केट रेट 25 लाख का है, 5 लाख एडवांस। चाहिए तो बोलो, टाइम कोटी मत करो। वीजा नकली हुआ तो? नोट असली होगा ना तो वीजा भी असली होगा। एडवांस रेडी होगा तो फोन करना। इतने पैसे? इम्पॉसिबल। अरे 5 लाख तक तो मैं तुझे दे सकता हूँ। नहीं यार, तुझसे नहीं लूंगा। जब तेरे पास पैसे आए तो लौटा देना, उसमें क्या है। पैसे भी जीते, बाकी के 15 कहाँ से? वो मुझे नहीं पता। तू चोरी कर, डाका डाल, जो करने का हो कर। देख चाहे तो रहा है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। 9:30 आ गया। कौन? पता नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन हर 6-8 दिन में ना लॉटरी का टिकट खरीदने आ जाता। तेरा वारसी यार एक लॉटरी का टिकट फाड़ के दे दिया उसको। ₹50 की लॉटरी, 5 लाख के सपने। आजकल भी ऐसे लोग होते हैं क्या? छोड़ना यार ये, चल बंद करते हैं अपने को। क्या नहीं आया, वो बोलता है 5 लाख नहीं देगा तब तक काम शुरू नहीं करेगा। ये ले 1 लाख, उसको बोल काम शुरू कर। अरे यार वो नहीं करेगा यार, उसने पहले बोल के रखा है कि 5 लाख जब तक मुझे नहीं मिलेंगे। जो बोल रहा हूँ वो कर, समझा? अरे ये US के लफड़े में तू तो पागल हो रहा है यार, तेरे में बहुत चेंज आ रहा है। चेंज उस दिन आएगा जो मैं US पहुंचूंगा। वो देख आ गया तेरा दोस्त। दूं क्या? दे लॉटरी दे मिस्टर इंडिया को, साला ऐसे भी तो दिखता है नहीं।
मुंबई का पब्लिक, सर पे खून सवार, ऐसे में वैन का आना, टाइम पे तेरा बच जाना, कमाल का लक है तेरा। लक? वही हो लॉटरी? तमांग, लाखन तमांग, इन्वेस्टमेंट का धंधा है। इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, शेयर्स? लक, इंसान के लक में इन्वेस्ट करता हूं। ये ले तेरा हिस्सा। मेरा हिस्सा? 2 साल से लॉटरी टिकट खरीदा हूं, 5,000 भी नहीं लगा। पिछले 2 बार तेरे हाथ से टिकट लिया, 2 लाख रुपए लगे, लाख रुपए तेरा हुआ ना। इन नोटों से कई बड़ी रकम है तेरे पास, तेरा लक। अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है वो तेरे हाथ में। 15 दिन के लिए तेरा लक भाड़े पे चाहिए, दिन का 1 लाख, 15 दिन में 15 लाख, फिर लगा ठप्पा, चला जाए यूएस, अपने सपने पूरे कर। तुम्हें ये सब कैसे पता? धंधा है, शेयर खरीदने से पहले कंपनी के बारे में सब कुछ जानना जरूरी होता है, वैसे ही तेरे बारे में हमें सब कुछ पता है। मिस्टर राम मेहरा, पैसा होने से लक नहीं बनता, मगर लक होने से पैसा बनता है, तो बड़ा कौन हो? वो बड़ा हथियार तुम्हारे पास है। करना क्या होगा? रात को 9 बजे पॉइजन के सामने। Make money in the body, everybody. Throw it up, yo. Make money in the body, everybody. Throw your cash up. Put money on the table if you want that. Get cash money if you wanna be a smart cat. I paid my bills and I'm ballin'. Tell me who the man, 'cause now I'm short callin'.